हेलो एवरीवन, मैं बिमल आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे फ्यूचर डाटा चैनल पे। आज हम बात करेंगे दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि टॉप 6 कॉलेज में आती है। अभी मैं रैंकिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रैंकिंग मैं एक क्यूरेट करने के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। आज हम बात करेंगे दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की। इससे पहले मैंने MIT मुजफ्फरपुर एंड BC भागलपुर, जो कि टॉप 2 कॉलेज में आती है हमारे बिहार इंजीनियरिंग के अंदर में, उस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ। उसका उसको जरूर देखें, वो इम्पॉर्टेंट कॉलेज है आपके लिए। ठीक है, आप बात करते हैं दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हैं। DC दरभंगा, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका पहला नाम था JMIT, जगन्नाथ मिश्र ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी भी JMIT से ज़्यादा ही पॉपुलर है, पर इसका नाम DC दरभंगा हो गया। स्टार्टेड हुई है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, एफिलेटेड है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से, एस्टैब्लिश हुई है 2008 से, जो कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिहार के नीतीश कुमार के द्वारा स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोर्सेज ऑफर्ड बाय DC, मतलब क्या 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 ब्रांचेज हैं एंड कितनी सीट्स हैं, कितने लेटर वाले एंट्री वाले के लिए। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग है पहला, जिसमें 60 सीट्स हैं, प्लस लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट के लिए 12 सीट्स हैं, जिसमें डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 60+12 लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट के लिए, जिसमें डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, 60+12 लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 60+12 लेटरल एंट्री। कुल मिला के हर एक ब्रांच में 72 सीट्स हैं, पर 12 सीट हमारे लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट के लिए है, जो जिसमें डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कैंपस पे बात करते हैं। लोकेशन, कैंपस लोकेशन इसका हमारे हाईवे के तरफ, हाईवे से NH57 से दरभंगा के हाईवे से थोड़ा दूर मब्बी के तरफ जाता है, बाजार समिति से थोड़ा आगे है मब्बी, वहाँ पे मब्बी पे आता है इसका पोस्ट है, ऑफिस है लाल शाहपुर दरभंगा में। ठीक है, स्प्रेडेड है हमारे 167 एकड़ में। ठीक है, अब बात करते हैं भैया एडमिशन कैसे होगा। तो एडमिशन, इससे पहले बता दूं, BC EC का बिहार कम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव के एग्जामिनेशन के थ्रू होता था एडमिशन, बट 2019 से प्रोसेस चेंज हो गया। JMIN का जो एग्जामिनेशन दिया है, जिसके पास JMIN का वैलिड स्कोर कार्ड है, रैंक कार्ड है, उसके बेसिस पे एडमिशन होता है, बस उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का अभी डेट चल रहा है 12/10/2020 से लेके 26/10/2020 तक रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर लो, तब तभी आपका एडमिशन वो एक्सेप्ट करेगा, ना कि सिर्फ आप JMIN के रैंक कार्ड लेके नहीं जा सकते वहाँ पे एडमिशन के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ पे, क्या क्या भैया कट ऑफ जाता है। तो मैंने एक बात बोला भी था वीडियो में, कि परसेंटाइल को देख के आपको डायरेक्टली कोई नहीं बोल सकता, एक हल्का प्रडिक्शन कर सकता है, श्योर प्रडिक्शन नहीं कर सकता आपके पर्सनल से। क्यों बोला था, क्योंकि रैंक BCC का जो बन जाता है आपका रैंक कार्ड का, उस पर मैंने अलग वीडियो भी बना दिया है, उसके हिसाब से था। देखो 2019 का मैंने दिखा दिया है कि DC दरभंगा का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे एस मैनेजमेंट कोटा का भी दिखा दिया है, आपके जनरल रैंक का भी आ गया, SC वाले, BC वाले, हर एक ब्रांच का, हर एक कैटेगरी का क्या क्या क्लोजिंग रैंक रहा है, क्या क्या ओपनिंग रैंक रहा है, सारा मैंने इस पे मेंशन कर दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लो, और जब आपका मैट लिस्ट आता है, रैंक कार्ड आता है, उससे आप मिला सकते हो कि आपके कितनी चांसेज है आप इसमें DC दरभंगा में होने की। ठीक है, अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर का बहुत कम है, 2500 रुपया पर ईयर आपको लगेगा, पर ट्यूशन फी लगेगा पर हर साल, और इस हिसाब से 4 ईयर का 10,000 रुपया आपको लग जाता है। ठीक है, सिर्फ ट्यूशन फी, आपका कॉलेज फी, एडमिशन फी, एग्जामिनेशन फी अलग लगेगा। और एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को हॉस्टल दरभंगा DC दरभंगा अलॉट नहीं करता, ऐसा वहाँ के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। ठीक है, या आपको बाहर में ही कहीं ना कहीं अरेंज करना पड़ेगा, लॉज लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर सिर्फ रहने के लिए, बाकी के लिए कॉलेज आपको अपना कॉलेज हॉस्टल में रहने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसमेंट पे। प्लेसमेंट खासा कुछ है नहीं, फिर भी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। TCS, विप्रो, प्रेस सीमेंट, SCL, ये सब भी कंपनी आती है, और कोई ऑफिशियल डाटा नहीं था एवरेज प्लेसमेंट का, फिर भी ये भी मतलब हमने खगाला है तो हमको मिला है।
रिसर्च करने के बाद परसेंटेज प्लेसमेंट का 20 से 30% कोई बोला था, 40% भी वहाँ का स्टूडेंट्स जो पास आउट हो गया है, यानी तो कोई वो पढ़ रहा है, उससे पूछा मैंने, ठीक है। और पैकेज का 3 से 6 लाख तक प्रोवाइड होती है डीसी दरभंगा में, जो बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है। ऑल्दो यहाँ पे कोई बच्चे प्लेसमेंट ओरिएंटेड नहीं तैयारी करते हैं, मैं बस सच्चाई बता रहा हूँ, जनरली जो बच्चे होते हैं ज्यादातर यूपीएससी और पीएसयू इस तरह के एग्जाम के लिए यहाँ पे सेल्फ स्टडी का, क्योंकि यहाँ पे सरकारी कॉलेज है तो इसका ये फायदा आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा, प्राइवेट की तरह हैक्टिक शेड्यूल नहीं कर देगा, विजिट शेड्यूल नहीं कर देगा, तो आपको टाइम मिलेगा उसकी तैयारी कर लिए, जनरली उसी की तैयारी कर लिए यहाँ के बच्चे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड करती है, तो कुछ कुछ मैंने यहाँ पे पेंशन किया नहीं कर पाया, सॉरी उसको मैं कर देता हूँ। से यहाँ पे आपको योगा ट्रेनर मिलेगा सुबह डेली से, मतलब एक स्पेशल है योगा का, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो ये मैंने बता दे, ठीक है। यहाँ पे सेल है मतलब इंटरप्राइज सेल है आपको दरभंगा का, डीसी दरभंगा का, जो कि एक उसका इंटेंशन है कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन ला दे बिहार में, ठीक है। लैब फैसिलिटी इसकी अच्छी है क्योंकि 2008 में ही खुली है, तो नए मशीन हैं तो अच्छी है, न्यू टेक्नोलॉजी वाली मशीन यहाँ पे मिल जाएगी आपको। बिहार स्टूडेंट कार्ड योजना से लोन लेने की फैसिलिटीज यहाँ पे है, जिसके अंतर्गत जैसा बच्चा बोल रहा था कि 1.5 से 2 लाख में उसका हॉस्टल मीस कॉलेज फीस और एग्जामिनेशन फीस लगा के खर्च हो जाता है, बाकी जो पैसा बचता है उसका वो लैपटॉप खरीद सकता है और बुक भी खरीद सकता है बिहार स्टूडेंट कार्ड योजना के तहत, जो कि अच्छी बात है क्योंकि इंजीनियरिंग में लैपटॉप और बुक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड होती है, पर यहाँ पे एक निगेटिव पॉइंट ये है कि बच्चा बोल रहा था यहाँ का कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को, बच्चों को यहाँ के कॉलेज के जो हॉस्टल हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जाते, उसको बाहर में कहीं रूम रेंट लेके लॉज में रहना पड़ता है। नेक्स्ट बात है कि यहाँ पे जो फैसिलिटी फैकल्टी है, जो टीचर है प्रोफेसर, वो अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, वो पीएचडी होल्डर ज्यादातर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात, यहाँ के सीनियर जो हैं वो भी कोऑपरेटिव हैं, एग्जामिनेशन सेमेस्टर एग्जाम से पहले जो भी नोट्स होती है पढ़ के जाने के लिए वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगी। नेक्स्ट बात है कि यहाँ पे और जैसे आपको इलेक्ट्रिकल बिल नहीं लगेंगे, इसका ये क्या फायदा, आपको अंदर में कुछ भी आपको लगाना है एक्स्ट्रा कोई मशीन अपने सुविधा के लिए तो आप लगा सकते हो, यहाँ पे कॉलेज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एक और पॉइंट मेरा रह गया, यहाँ पे ये ट्रेनिंग सेल और इसका जो भी टेक्निकल सेल है जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चों के लिए प्लेसमेंट के लिए, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब ये है कि अभी कॉलेज की मतलब अंडर ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ कर ही रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या कॉलेज फेस्ट प्रोवाइड करती है कॉलेज, तो कॉलेज एक ज्ञान की करके कॉलेज फेस्ट शुरू करते हैं जिसमें एनुअल और स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज होता है, जैसे डांसिंग, ये डांसिंग और सिंगिंग कॉम्पिटिशन टाइप। कॉलेज बहुत सारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करता है दरभंगा में, जैसे क्रिकेट्स और क्रिकेट्स को ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज करता है, हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज करता है ये कॉलेज। इसके अच्छी बात है क्योंकि आपको हैकाथॉन जनरली कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो कि कोडिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिशन होता है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जिसमें कौन कौन गवर्नमेंट और पार्टिसिपेट्स गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज भी पार्टिसिपेट करती हैं बिहार की, ठीक है। ये हुआ पूरा बिहार इंजीनियरिंग का और दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की पूरी रिव्यू, और भी कॉलेज की रिव्यू मैं लाऊंगा जिसके लिए आप फ्यूचर अड्डा से जुड़े रहें। नेक्स्ट बात की आपको कोई और डाउट्स हो बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, जिसका नाम है @FutureAdda करके, एंड नेक्स्ट इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जिसका जहाँ पे आप मुझसे डाउट्स या वहाँ पे अपडेट्स आपको मिलेंगे, जिसका नाम है इंस्टाग्राम आईडी का @FutureAdda। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।